हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम साइट पे हैं जहाँ पे हम जो हमारे स्टील के गर्डर्स हैं उनको लॉन्च करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बीरिंग्स के बारे में, कैसे बीरिंग्स को फिक्स करते हैं और क्या उनका पर्पज़ होता है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे हम क्रेन के साथ इन गर्डर्स को हम मूव कराएंगे और बीरिंग्स के ऊपर जो पियर कैप के ऊपर जो बीरिंग्स लगी हुई हैं उनके ऊपर हम इनको रख देंगे। तो सबसे पहले तो बात करें, जैसे कि आपको पता है पूरे इंडिया में जहाँ पे भी आप कोई ब्रिज बना रहे हो और नीचे से जो रेलवे ट्रैक है वो निकल रहा है तो उसके ऊपर हम हमेशा स्टील के गर्डर ही रखते हैं, यानी कि वहाँ पे हम कंक्रीट के गर्डर यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने दो क्रेन्स यहाँ पर मंगवाई हुई हैं जो कि काफ़ी बड़ी क्रेन्स हैं जो काफ़ी लोड जो है वो पुल कर सकती हैं। तो एक को हम रखते हैं स्टैंड बाई मोड पर और एक के साथ ही हम काम करते हैं। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो एक क्रेन से हम जो इस गर्डर को उठा रहे हैं और फिर इसको बीरिंग्स के ऊपर जो पियर कैप के ऊपर जो बीरिंग्स है उसके ऊपर रख देंगे। इसको हम बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो करके रखते हैं, यानी कि पूरी प्रिसीजन के साथ हम इसको लॉन्च करते हैं, इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एरर नहीं होना चाहिए। और ये बीरिंग्स हम जो पहले फ़िक्स करते हैं ये हम टोटल स्टेशन के साथ फ़िक्स करते हैं, इनको बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो करके, इनका लेवल बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो करके फिर हम इनको फ़िक्स करते हैं। तो अब लॉन्चिंग की बारी आ रही है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ऐसे हम इसको गर्डर को इस क्रेन के साथ उठा के और जैसे आप देख रहे हो स्पीयर कैप के ऊपर ये बीरिंग लगी हुई है दोनों साइड, तो हम इनको इसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनकी करते हैं वेल्डिंग, यानी कि हम इनको वेल्ड कर देते हैं इस बीरिंग के साथ। बीरिंग के ऊपर एक बीरिंग प्लेट लगा देते हैं, उस बीरिंग प्लेट को हम वेल्ड कर देते हैं इस गर्डर के साथ, यानी कि इसको फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस गर्डर्स लगाते हैं और फिर इनको नट बोल्ट के साथ टाइट कर देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रेलवे ट्रैक यहाँ से निकल रहा है नीचे से और इसके ऊपर हमारा जो काम चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे रेलवे ट्रैक है नीचे, तो यहाँ पे हमें काम करने के लिए चाहिए होता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है कि यानी कि इसके नीचे से अब कोई भी ट्रेन नहीं गुजरेगी जब तक यहाँ पर काम चलेगा। तो जैसे हमें यहाँ पर 2 घंटे का ब्लॉक मिला था पर डे का, तो अब 2 घंटे हम जब तक यहाँ पर काम करेंगे ट्रैक के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वायर्स हैं बिजली की तारें हैं जो जिनके साथ ट्रेन चलती है उसके अंदर बिजली कट कर देते हैं वो 10 किलोमीटर के एरिया के आसपास। इसको बोलते हैं ब्लॉक, यानी कि हम ब्लॉक लेके ही काम कर सकते हैं, ऐसे हम काम नहीं कर सकते रेलवे पोर्शन में। तो ऐसे करके जो ये देख रहे हो आप इसको बोलते हैं क्रॉस गर्डर, ये जो 2 गर्डर को जोड़ देता है, यानी कि जैसे हमने 1 गर्डर रख दिया फिर हम दूसरा गर्डर लॉन्च कर देंगे और उन दोनों गर्डर्स को इस क्रॉस गर्डर के साथ हम वो नट बोल्ट के साथ टाइट कर देंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। इसके अंदर ये होल्स बने होते हैं नट बोल्ट लगाने के लिए। तो ये आप देख रहे हो हमने ये 3 गटर लॉन्च कर दिए हैं और 3 गटर्स में आप देखोगे ऊपर की साइड हमने इसमें क्रॉस गटर भी फिक्स कर दिए हैं। तो ये आप देख रहे हो क्रॉस गटर हमने इसके अंदर फिक्स कर दिए हैं ये वाले। तो ऐसे करके हम इनकी गर्डर की लॉन्चिंग करते हैं यहाँ पे रेलवे पोर्शन में, और जो हमारा जो पीडब्ल्यूडी का पोर्शन होगा दूसरी तरफ उसमें हम जो है कंक्रीट के गर्डर यूज़ करेंगे। तो ये आप देख रहे हो जैसे कि हमने 5 गर्डर अब तक लॉन्च कर दिए हैं, ये हमारा लास्ट जो है 6ठा गर्डर हम इसके ऊपर रखेंगे। तो ये आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे ये बीरिंग्स हमने लगाई हुई हैं, इन बीरिंग्स के ऊपर ही हम इनको रखते हैं। तो अब मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये बीरिंग है इसके ऊपर ये गर्डर रखा हुआ है और ऐसे करके हमने इसको वेल्ड कर दिया है। ये आप देख रहे हो जैसे गर्डर रखा हुआ है बीरिंग के ऊपर, ऐसे ये दूसरी साइड भी ऐसे ही है सेम। यहाँ पर नीचे बीरिंग होगी, बीरिंग के ऊपर बीरिंग प्लेट रख दिया है और बीरिंग प्लेट को हमने जो इस गर्डर के साथ वेल्ड कर दिया है। ये हमारा दूसरी तरफ का पोर्शन है जहाँ पे हम कंक्रीट के गर्डर लॉन्च करेंगे। ये नीचे हमारे कंक्रीट के गर्डर कास्ट किए हुए रखे हैं। तो ये ऐसे करके हम इन गर्डर्स में जो क्रेन के ये हुक हैं ये फिक्स कर लेते हैं इनको और फिर जो क्रेन के साथ इस गर्डर को उठा लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो सब समझ आ रही होगी। तो प्रोसीजर वही सेम है जो कि मैंने आपको बताया अभी। इसको हम दोनों तरफ से गर्डर को इस जो है हमारी रस्से के साथ इसको
बांध लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत इधर उधर इसको मूव कराना हो तो हम इसको खींच के मूव करा सकें। तो इसको ऐसे हम आराम आराम से ऊपर उठाते हैं और फिर हम इसको जो प्रॉपर पोजीशन में लेके आते हैं, फिर इसको लास्ट में हम बीयरिंग्स के ऊपर रख देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी बड़ी क्रेन है, ये काफ़ी लोड है, ये उठा सकती है। तो ऐसी हमारे पास एक और क्रेन जो है दूसरी साइड खड़ी है कि इन केस अगर इस क्रेन में कोई दिक्कत आ जाए तो हम उस क्रेन को यूज़ करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हमें दो घंटे का ब्लॉक मिलता है यहाँ पे, तो उस दो घंटे के अंदर अंदर ही हमें काम करना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये क्रेन को ठीक होने का टाइम देखें, क्योंकि ये ब्लॉक बहुत मुश्किल मिलता है क्योंकि नीचे की ट्रेनें सारी बंद है इस टाइम दो घंटे के लिए। इसीलिए हम जो एक क्रेन है वो स्टैंड बाई मोड पे रखते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो ये आप देख रहे हो जैसे इस रस्से के साथ हम थोड़ा बहुत इसको इधर उधर खींच लेते हैं, उधर से भी ऐसे ही खींच लेते हैं। ये जो बीयरिंग है, बीयरिंग के ऊपर बीयरिंग प्लेट लगाई हुई है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो आप देख लेना एक बार जाके। इसके बाद भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरी जो लॉन्चिंग के बाद की जो प्रोसेस है, कैसे हम इसके ऊपर स्लैब को कास्ट करेंगे, कैसे हम जो ये शीयर की है इनको कंक्रीट में कैसे उसको सबमर्ज करेंगे, वो सब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल 0-0 करके हम इसको इन बीयरिंग्स के ऊपर रखते हैं दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो होता है। और साथ साथ ये देख रहे हो आप, हम इसमें जो ये क्रॉस गर्डर है ये भी लगा देते हैं, ये क्रॉस गर्डर ऐसे लगा देते हैं, इसको नट बोल्ट के साथ फिक्स कर देते हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करना हो तो टाइम पे ही हो जाइए, क्योंकि बाद में जब क्रेन चली जाएगी तो तब ये क्रॉस गर्डर लगाएंगे तो थोड़ा बहुत ऐसा हो कि 1 mm या 0.5 mm का भी फ़र्क रह गया तो वो नट बोल्ट नहीं लगेंगे। ऐसे साथ साथ इसको क्रॉस गर्डर को भी लगा देते हैं और बीयरिंग्स के ऊपर इस गर्डर को फिक्स कर देते हैं। बाद में इसके ऊपर हम वेल्डिंग कर देंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हो नट बोल्ट हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। उस तरफ से भी हम दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही ये क्रॉस गर्डर इसके अंदर लगा के फिर इसको हम जो है बीयरिंग को जो इसको गर्डर को बीयरिंग के ऊपर रखते हैं। ये देख रहे हो जैसे कि आप नट बोल्ट हमने लगा दिए हैं इसमें। इसको फिक्स करने के बाद अच्छे से फिर हम क्रेन के जो इस हुक को रिमूव करते हैं। तो जैसे कि हमने इस तरफ एक छोटी क्रेन लगाई हुई है जो कि क्रॉस गर्डर को ऐसे उठाएगी, ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने एक छोटी क्रेन लगाई हुई है। तो ये आप देखोगे ये हमारे ROB का पूरा ही जो पोर्शन है वहाँ पे RE वॉल का काम चल रहा है लास्ट में, और RE वॉल के बाद आगे जो हमारी है जो RCC वॉल है अप्रोच के पास, ये देख रहे हो आप, ये RCC वॉल है और उसके आगे RE वॉल है। उसके बाद फिर ये हमारे आगे आएंगे पियर्स। तो पियर्स में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लॉन्चिंग करेंगे कंक्रीट वाले गर्डर की, जो ये नीचे रखे हुए हैं, जो आप देख रहे हो ये नीचे रखे हुए हैं, ये काफ़ी जो हैवी हैं उन गर्डर से, स्टील वालों से। तो ये हमने इस फाइनल वाले गर्डर को भी ऑलमोस्ट फिक्स कर ही दिया है। और ये जो आप इसके ऊपर गर्डर के ऊपर ये देख रहे हो गोल गोल, इनको बोलते हैं शीयर की। इनके बारे में भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको अच्छे से बताऊँगा। तो ये जैसे आप देख रहे हो हमने 6 के 6 गर्डर लॉन्च कर दिए हैं, और इनमें हमने जो कुछ 3 गडर में तो जो है क्रॉस गडर भी लगा दिए हैं बीच में, और बाकियों में अभी हम लगा रहे हैं। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में स्लैब का, शेयर की का, हर चीज़ का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।